अभी खबर मिली है आधे मंडी से बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें नाम आप ही कह रहा है। अरे लेकिन न्यूज का कोई ब्लास्ट हुआ है? न्यूज का बम का नहीं, न्यूज का हुआ। ओके सर, फिल्म के बारे में कुछ बताइए, आजमगढ़ किस तरह की फिल्म होने वाली है, बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है ऑडियंस को? देखिए आजमगढ़ फिल्म जो है वो बहुत सारी आतंकी घटनाएं जो सच्ची घटनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये एक आतंकवाद कहते ही हमारे जहन में आता है धूम धड़ाका बम गोला बारूद। ये फिल्म उस पक्ष को नहीं, हमारे इमोशनल पक्ष को, एक मानवीय पक्ष को देखते हुए गढ़ी गई है। और फिल्म का जो दायरा है वो 9/11 अमेरिका में जो हुआ 2001 में, संसद पे हमला हुआ 13 दिसंबर को 2001 में, और उसके बाद से बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो देश को दहला रही थी, इवन दुनिया को दहला रही थी, और वो कड़ी एक मेजर ब्लास्ट तक पहुंची 26/11 जो मुंबई में हुआ। तो इन सारी घटनाओं के यदि हम बहुत माइन्यूटली देखें तो उसमें कहीं न कहीं कभी न कभी आजमगढ़ कनेक्शन जोड़ा जाता था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ निकल जाता था, जोड़ा जाता था। एक घटना हुई दिल्ली में ओखला इनकाउंटर, उस इनकाउंटर में भी आजमगढ़ कनेक्शन निकला। उसी के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान दिल्ली पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया और पाया कि ये मौलवी उत्तर प्रदेश और बिहार के मासूम लड़के जो इंटर पास करते हैं उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग दिलाने के नाम पर दिल्ली लाता था और उनका ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के टेरर कैंपों में ट्रेनिंग के लिए भेज देता था। वहां से वो लड़के ट्रेनिंग लेकर के आते थे और हिंदुस्तान में बम धमाके करते थे। एट द सेम टाइम एक खबर आई, एक छोटी सी खबर छपी उत्तर प्रदेश के ऐसे ही किसी शहर का, बिजनौर या आजमगढ़ की थी मुझे ठीक से याद नहीं, वहां का एक 12वीं का एक लड़का इंटर में स्टेट में 1-5 में एक अच्छा पोजीशन, मैं नहीं कर रहा हूं शायद टॉप था या मतलब, लेकिन उसकी पोजीशन 1-5 के बीच में कहीं थी। तो आप एक तरफ देखिए कि ये करेक्टर है जो मेहनत करता है और वो अपना करियर बनाना चाहता है पढ़ लिख करके, एक करेक्टर है जो ऐसे लोगों को ट्रैप करना चाह रहा है, और दोनों सच्ची घटनाएं थी। मैंने इन दोनों सच्ची घटनाओं को क्लब किया और इससे हमारी एक कहानी बुन गई और जिसमें 2001 9/11 से लेकर के 26/11 तक की उन घटनाओं को, मेजर घटनाएं थे उसको पिरेते हुए ये फिल्म की कहानी रची। सर आजमगढ़ की बात आती है तो कहीं ना कहीं आतंकवाद, बहुत सारी चीजें जहन में आती है, और अभी फिलहाल की जो बात का जो माहौल चल रहा है अभी उसमें आजमगढ़ का नाम भी चेंज करने की बात की गई है, तो क्या इसका भी जिक्र किया गया आपकी सीरीज में? इसमें नहीं, ये पॉलिटिकल इशू हो सकता है, लेकिन हम कुछ उस तरह के प्रोपेगेंडा या किसी इस तरह के विषय में जो हमारे कंसर्न में नहीं है। फिल्म का कंसर्न बहुत सीधा सीधा है, आजमगढ़ से जो कनेक्शन जोड़े जाते थे और जो दो सच्ची घटनाएं जुड़ी तो उनको लेकर के कथा कहानी है। नाम चेंज आज किया जा रहा है या उसकी चर्चा चल रही है इसको लेकर के हमारी फिल्म में इसका कोई जिक्र नहीं। स्टार कास्ट की बात करें कौन कौन है इसमें, क्या किरदार है? आजमगढ़ दो महत्वपूर्ण किरदारों के इर्द गिर्द घूमती कहानी है। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा बच्चा जो पढ़ लिख करके बहुत अच्छा अपना करियर बनाना चाहता है, एक ऐसा आदमी जो ऐसे बच्चों को ट्रैप करके अपने आतंकी मंसूबों को कामयाब करना चाहता है। तो ये दो करेक्टर हैं, एक नेगेटिव साइड में एक प्रोटोगनिस्ट है लड़का, अनुज शर्मा जो मेन प्रोटोगनिस्ट है लड़का, और पंकज त्रिपाठी जी जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं, अशरफ अली जो मौलवी का किरदार है वो। इसके अलावा अमिताभ वालिया, श्रीकांत वर्मा, सिद्धार्थ भारद्वाज, विवेक जेटली, इस तरह के थिएटर से निकले हुए मजे कलाकार हैं जो अन्य भूमिकाओं में हैं।
सर जब आजमगढ़ की बात करें अगर तो आप आजमगढ़ की अगर बात चल रही है तो अबू सलीम का कहने में रिश्ता है तो वो भी किसी को नहीं दिखाया क्योंकि उसके बिना मुझे लगता फिल्म कंप्लीट होगी। देखिए मैंने मेरा ये इरादा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से या पर्टिकुलर नाम से, ठीक है, हमने अपने दो करेक्टर के इर्द गिर्द ही कहानी रखी। और मेरा स्टोरी टेलिंग का आइडिया ये है कि मैं बहुत ज़्यादा भटकाव में जाता नहीं हूँ, मुझे अपनी स्टोरी एक एक स्टार्ट पॉइंट से लेकर के जो डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा होता है वहाँ तक के बीच में बहुत सीधी चलने की हमारी आदत है, तो मैं उसके उलझना नहीं चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को या किसी अन्य मतलब ये पर्टिकुलर किसी नाम के साथ चीज़ों को बढ़ा जाए। हमारी कहानी का एक प्रवाह था, उस प्रवाह में जो कुछ भी मैं कह सकता था वो बेलाग लपेट किया। बहुत सारी फिल्मों में कई बार ये होता है कि हम करेक्टर के नाम सीधे सीधे नहीं लेते हैं, लेकिन हमने आप फिल्म जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, हमारी अस्मिता पे राष्ट्रीय अस्मिता पे चोट पहुंचाना चाहते हैं, मैंने उनका नाम लेने में कोई गुरेज नहीं किया। सीधे सीधे मैंने नाम लिया हाफिज सईद को हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन को सैयद सलाउद्दीन, ऐसे मैंने बेलाग लपेट नाम लिया है। सर क्या रीजन है कि पंकज त्रिपाठी जी एक भी प्रमोशन में दिखाई नहीं दे रहे, उसके पीछे का क्या रीजन है अगर उस बारे में बताएं, क्योंकि उनका जिस तरह से पोस्टर से लग रहा है फिल्म में मुख्य किरदार है, तो आपको लगता है कि एज ए डायरेक्टर, और सर आपसे भी जानना चाहूंगा एज ए प्रोड्यूसर चाहेंगे कि जो मुख्य एक्टर है वो प्रमोट करे, और पंकज त्रिपाठी बड़ा नाम है जिस